ईशा ने बताया ये गंदा सच, नहीं झेल पाई अंकिता लोखंडे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बिग बॉस बहुत ही चालाक है। बिग बॉस को पता है किसकी कौन सी दुखती रग है जिस पे मुझे हाथ रखना है, और फिर वो बिलबिला जाएगा, अपने रास्ते से भटक जाएगा और वो कह देगा जो उसको नहीं कहना चाहिए। अब पहले टास्क कुछ अलग तरीके के होते थे, उसमें धक्कम दुक्का होता था, बहुत कुछ होता था, मगर आजकल इस बिग बॉस में टास्क है ही नहीं। मगर ऐसे वाले टास्क आते हैं जो एक फुलझड़ी छोड़ते हैं और पूरे घर को आग लग जाती है, और इस बार वो फुलझड़ी ईशा के द्वारा अंकिता लोखंडे की तरफ बिग बॉस ने छोड़ी। बात करते हैं पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अंकिता लोखंडे आम लाइफ में क्या है, अपने घर की लाइफ में क्या है, कैसे अंकिता लोखंडे सोती है, कैसे उठती है, कैसे घर का काम करती है, वगैरह वगैरह, यही होती है सेलिब्रिटीज को जानने की क्यूरियोसिटी दर्शकों को, जो अंकिता लोखंडे को सिर्फ स्क्रीन पे देखते हैं, सिर्फ अच्छे अच्छे रोल करते हुए देखते हैं, एक अच्छी बहू के रूप में देखते हैं, एक अच्छी प्रोटैगनिस्ट के रूप में देखते हैं जो सबकी वाट लगाती है और फिर विजयी होती है। ये अंकिता लोखंडे और जो एक्चुअली अंकिता लोखंडे है, ये तो एक करेक्टर प्ले करने वाली अंकिता लोखंडे होगी, जैसे पवित्र रिश्ता या जो भी उन्होंने काम किया है। मगर अंकिता लोखंडे अपनी निजी लाइफ में क्या है, इसी पे बार बार बिग बॉस के द्वारा चोट की जाती है हर उस सेलिब्रिटी पे जो एक सेलिब्रिटी के तौर पे घर पे आता है। अंकिता लोखंडे ने खुद भी कहा था कि मैं खुद देखना चाहूंगी कि मैं क्या हूं, और कल का एपिसोड पूरी तरह अंकिता लोखंडे को सामने लेके आ गया, स्पेशली उसका वो गंदा सच। ईशा को बिग बॉस ने टास्क दिया जिसका सीधा सीधा था कि आपको एक ऐसा इंसान चुनना है जो कि इतना सफाई पसंद नहीं है, उसकी सफाई के ऊपर आपको उसको थेरेपी देनी है, क्योंकि बिग बॉस ने भी देखा होगा, इसलिए ईशा ने भी कहा बीच में कि उन्होंने भी देखा होगा कि कौन है जो इस थेरेपी को अच्छे से कर सकता है, क्योंकि ईशा सफाई पसंद है, वो सफाई करती है, इसलिए उसको इसका मास्टर बनाया गया। अब ईशा ने ही चुनना था तो ईशा के तो सामने ही है अंकिता लोखंडे कितना गंद डालती है, गलती नहीं मानती है अपनी, तो उसने अंकिता लोखंडे को चुन लिया। अब यहां पे थेरेपी तो अंकिता लोखंडे की चल रही थी तो सुनना अंकिता लोखंडे को ज्यादा चाहिए था, मगर अंकिता लोखंडे आजकल पता नहीं कौन सी चीज खा पी रही है बिग बॉस के घर में कि वो नॉन स्टॉप लड़ती ही जाती है, वो किसी की बात नहीं सुनती है, और विक्की जैन पूरा शांत चुपचाप बैठा है। ऐसा लग रहा है कि अंकिता लोखंडे विक्की का और अपना दोनों का रोल एक साथ ही प्ले करना चाहती है कि मेरे विक्की की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, मेरे पति की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, मैं सबकी बेइज्जती करती जाऊंगी। अब ये एक सिंपल सा टास्क था जिसमें ईशा ने बताना शुरू किया, मगर ईशा के बताने से पहले ही अंकिता लोखंडे की ईगो हर्ट हो रखी थी कि इसने मुझे चुना तो चुना कैसे। जैसे कि पहले एक दिन पहले के एपिसोड में भी जब बाथरूम साफ करने की बात हुई थी तो अंकिता लोखंडे ने सबके बीच में कहा था कि हाँ जाओ देख लो मैंने बाथरूम साफ किया है, सामने से खुला चैलेंज दिया था, मगर जब देखा बाथरूम साफ नहीं है, ईशा ने आके वहीं पे उसी महफिल में आके कह दिया कि आपने नहीं किया है, आपने इतना गंद वहां पे रखा है, तो अंकिता लोखंडे को बुरा लगा कि तू मुझे साइड पे ले जाके बोलती, भाई क्यों बोलती, जब उसी महफिल में बात हुई तो उसी महफिल में दूसरी बात भी होगी, क्योंकि वो महफिल तो यही मानेगी ना कि आपने किया है, और अगर आपने नहीं किया तो उसी महफिल को पता चलना चाहिए। और बिग बॉस ने उसी बात को सुना और उसी बात को टास्क बना के अंकिता लोखंडे और ईशा के बीच में खेल दिया। अब कल हमने देखा कितनी अंकिता लोखंडे की ईगो हर्ट हो गई कि मुझे सफाई के ऊपर लेक्चर दे रही है ये, क्योंकि कहीं ना कहीं अंकिता लोखंडे के दिमाग में सलमान खान की बात भी बैठ गई है कि मैं सीनियर हूं। ये बातें बहुत ज्यादा कभी कभी आपका दिमाग खराब कर देती है, मगर सीनियर वो इसकी जिम्मेदारी है, मगर ये निभानी भी पड़ेगी, आपको वैसा करना भी पड़ेगा,
आपको नॉमिनेट किया आप भड़की, आपको सफाई के बारे में बोला आप भड़की, कहने का मतलब यह है कि आप अपने आप को परफेक्ट समझती हैं कि कोई मुझ पे उंगली नहीं उठाएगा। मैं सबको पब्लिकली कह सकती हूँ कि आप गलत हो, मगर आप मुझे नहीं कहोगे क्योंकि मैं सीनियर हूं और मुझे आप कोने पे ले जाके बोल दो। मगर यहाँ पे सब लोगों के लिए यह है कि ये भूल जाते हैं कि ये कोने में ले जाके भी बोलेंगे तो पब्लिक को तो सब बिग बॉस दिखा ही देंगे कि आप कितनी सफाई पसंद है कितनी नहीं है। अब यहां पे ईशा जो है अंकिता को बता रही है कि आपने ये गलत किया, मगर अंकिता को हर एक उस बात को हाईलाइट करना है जो उसने किया। वो नहीं किया बता रही, वो किया बता रही, जो किया है वो तो करना ही था, सब लोग कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, मगर आप अपनी ड्यूटी नहीं करती हो तो ये नहीं करती हो। इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि आपको हर्ट होती, मगर करना था, ड्रामा तो करना था, बिग बॉस है भाई, ड्रामा मिला है तो ड्रामा करेंगे। तो ये जो बातें हुई वो बहुत ही ऐसी थी कि इंसान सोचता है कि अगर कोई आपको समझाता है, एक टास्क देता है कि आपकी थेरेपी होगी और आपको कोई थेरेपी देने आता है और आप उस थेरेपी वाले के ऊपर ही राशन पानी लेके चढ़ जाते हो, तो इसका मतलब ये है कि आप तो भैया बीमार ही हो, आप अपनी बीमारी को छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए ये गंदा सच जो ईशा ने बताया ये अंकिता लोखंडे से हजम नहीं हुआ। और जो मनारा ने बीच में तड़का लगाया, जो अनुराग को कहा, वो सुन के तो अंकिता की सास जरूर खुश हो गई होगी कि सिर्फ सजना संवरना ही नहीं होता पति के लिए, साफ सफाई भी जरूरी होती है, जिससे कि घर के बड़े बुजुर्ग सास ये वो सब उससे खुश होते हैं, क्योंकि ये उनके लिए होता है कि बहू ने घर को अच्छे से संभाला हुआ है, ना कि खुद ही को। तो ये पूरा का पूरा चंक था जो ईशा और इसके बीच में हुआ, जिसमें मुझे ईशा की जो भी परफॉर्मेंस थी मुझे अच्छी लगी, अंकिता की नहीं लगी। अंकिता को कुछ और तरीके से इस बात को हैंडल करना चाहिए था। जो उसने लास्ट में डायलॉग बोला सना से बात करते करते, एक बहुत ही पोलाइट वे से कि हाँ मेरे से होता है, मुझे आदत नहीं है, ये तरीका था, मगर वो तरीका नहीं अपनाया। एक ही डायलॉग शायद दिखाया गया या जो भी था, मगर पहले जितना भी गंद डाला वो असली गंद से भी ज्यादा था, आप बताइएगा। क्योंकि अंकिता लोखंडे अब पूरी तरह से बिग बॉस में छा रही है, अपने आप को दिखा रही है जो वो है, तो क्या ये अंकिता लोखंडे आपको पसंद आ रही है? जरूर बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.